नहीं नहीं दूनी गाड़े ले एक गाड़ी नहीं मारी होगा। अरे बाप रे, दुनिया का मागे एक होता का? हाँ हाँ तेज ना, तेला पहले मारला ते इन्ना हे गाड़ी तिथे लागली। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो एक बार फिर हम जा रहे हैं फिर से पुसद। एक्चुअली दिवाली की वेकेशन शुरू हो चुकी है इसलिए पुसद जा रहा हूँ। तो अभी से रोज़ पुसद के व्लॉग्स आएंगे। अभी टाइम हो रहा है 1:37 और अभी सिटी में ही है। सो मैं सिटी के बाहर निकल के बात करता हूँ। एक्चुअली मेरा फ्रेंड है वहाँ पे वेट कर रहा है। सो मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। तो प्लान तो था 12 बजे निकलने का और एज इट इज़ आपका भाई हमेशा लेट करता है इसलिए थोड़ा लेट हो गए, पर कोई बात नहीं चलता है। तो ठीक है यार, सिटी से बाहर निकल के बात करते हैं, अभी बहुत ट्रैफिक है। ओके बाय। ऑलराइट गाइस, तो सीन कुछ ऐसा है, मैं अभी गया था मेरे फ्रेंड को लेने के लिए, पर उसके बाद उसके पास लगेज बहुत सारा है, मतलब दो बैग है और एक कॉलेज बैग है, तो बाइक पे जगह नहीं हो रही है। तो इसलिए हमने प्लान किया कि उसके जो एक्स्ट्रा दो बैग है वो हम ट्रैवल्स में डाल देंगे। तो अभी हमारा मीटिंग पॉइंट है चंद्रलोक होटल, तो अभी मैं वहाँ पर ही जा रहा हूँ। और एक बात, ये जो मैंने केस लगाया है एक्शन कैमरे का, वो मतलब उसके बटन प्रेस नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्यों यार। मतलब अब तक जब मैं रिकॉर्ड करता था वो मैं विदाउट केस करता था। सो ये मैंने पहली बार ट्राई किया है एक्शन कैमरे का केस, सो दिक्कत हो रही है थोड़ा। तो देखते हैं, अगर ये थोड़ा कंफर्टेबल रहा तो ये यूज़ करेंगे, अदरवाइज वही बिना केस वाला जुगाड़ अपना वही चलाएंगे। ओके सो मैं अभी पहुंचने वाला हूँ चंद्रलोक होटल। सो वहाँ पे पहुंच के उसको कॉल करता हूँ, पहुंचा या नहीं। ओके तो मिलते हैं बाद में। ऑलराइट गाइस, सो अभी बज रहे 3। सो थोड़ा लेट हो गया हमें यहाँ से निकलते हुए, एक्चुअली बस ही आने की थी। सो अभी तक हम यही है होटल चंद्रलोक पे। सो अभी निकल रहे हैं, एक्चुअली बस ही नहीं मिल रही थी, आज बहुत ट्रैफिक है क्योंकि सबको दिवाली वेकेशन चालू हो चुका है इसलिए सब घर पे जा रहे हैं। ओके गाइज, तो मिलते हैं रोड पे। ऑलराइट गाइज, सो अभी टाइम हो रहा है 3:09 और अभी हम पहुँचे आसना पुल पर। तो आज थोड़ा लेट हो गए क्योंकि वो बैग डालनी थी बस में। सो प्लान मॉर्निंग में ही निकलने का था, पर मेरी एग्ज़ाम थी 11 से 12, सो इसलिए दोपहर में निकलने का काम पड़ा, उसकी वजह से लेट हो गया। और ये बैग डालने के चक्कर में भी थोड़ा लेट हो गए, पर कोई बात नहीं चलता है। फिर भी 3 ही बज रहे हैं, 6 बजे तक पहुंच जाएंगे घर पर। आराम आराम से जा रहे हैं क्योंकि हमारे बैग पीछे है बस में, और जल्दी जा के भी मतलब नहीं क्योंकि अगर हम जल्दी पहुंच गए उमरखेड़ को फिर भी वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा हमें, और वहाँ से भी बस हमें स्विच करनी है क्योंकि हमने बैग उमरखेड़ की बस में डाला है। सो वहाँ पे भी थोड़ा टाइम जाएगा हमारा। ओके कोई बात नहीं चलते हैं अब। ऑल राइट, सो टाइम अपडेट इज 3:24 एंड वी हैव रीच एट अर्धापुर।
आराम आराम से जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, हमारी बैग पीछे बस में आ रही है, इसलिए हम आराम आराम से जा रहे हैं। अभी यहाँ से उमरखेड़ है 58 किलोमीटर और अभी टाइम हो रहा है, वाह क्या टाइम हो रहा है, 3:33, 3:33। मैंने वो केस निकाल दिया है क्योंकि मुझे वो बटन प्रेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और मैंने अगर ज़ोर से दबाया बटन तो वो एंगल चेंज हो जा रहा था कैमरे का, इसलिए मैंने वो निकाल दिया। यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रैफिक है, लगता है आगे गाड़ी ठुक गई है। देखते हैं क्या हो गया आगे। यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। रुक के देखेंगे क्या? हाँ। यहाँ पे रुक के देखेंगे क्या होगा। द ईवी राइडर राइड करता है यहाँ पे, जहाँ हाँ नहीं बाहर का भी जाता। यूट्यूबर है भैया, मर गए, यूट्यूब पर इनका वीडियो आज वीडियो जाता है। यूट्यूब में मैंने लैपटॉप चाहिए था, एक बार पूरा वीडियो मिल जाए, ठीक बा, ऊपर का शूट करता है तो हर वीडियो चल जाएगी। बिहार से हो गया। अच्छा। यहाँ पे रुके तो थे एक्सीडेंट देखने के लिए, पर दो सब्सक्राइबर मिल गए इसलिए उनसे बातचीत करने में उनका झगड़ा सॉल्व हो गया। तो ठीक है, चलते हैं अपने राह पर। तो ऐसे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा क्या यार, बहुत अच्छा लगता है। आप सब इतना प्यार दिखाते हो क्योंकि ये सब मैं आपके लिए तो कर रहा हूँ, आप हो इसलिए मैं हूँ। बैक टू द टॉपिक। तो वहाँ पे एक इनोवा कार थी और एक ऑटो रिक्शा था, तो लगता है इनोवा वाले ने ब्रेक ज़ोर से दबा दिया इसलिए ऑटो रिक्शा वाले ने डैश मार दिया पीछे से। अरे बाप रे बाप गाइस, यहाँ पे भी एक और एक्सीडेंट हुआ है और ये बहुत भयंकर एक्सीडेंट है। देखते हैं क्या हुआ। सामने से डैश मार गया गाड़ी को। अरे बाप रे, एक और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, लगता है दोनों आमने सामने टकराई है। रुक के देखते हैं। यहाँ पे ये गाड़ी और ये गाड़ी दोनों आपस में टकराई है इसलिए एक्सीडेंट हुआ है। बाप रे बाप। तुमची गाड़ी आएगा ती को नाही मग त्यांनी डॅश मारली का? हो का? अरे बापरे, ट्रक वाल्याचा नंबर नोट नाही केला का तुम्ही? ट्रक वाल्याचा नंबर नोट नाही केला का? इन्शुरन्स आहे का गाडीचा? तेवढं तरी चांगलं आहे। यहाँ पे अंकल ने कहा कि ट्रक वाले ने दोनों गाड़ी को डैश मारी है। ये दोनों गाड़ी सामने से आ रही थी, ट्रक वाला यहाँ से आ रहा था तो ट्रक वाले ने डैश मार दी। ये MH 12 और ये MH 21 है। ये इन अंकल की गाड़ी है और इनका ओनर कहाँ पे पता नहीं। दोन्ही गाडीला ट्रक न उडवलं म्हणते, दोन्हीला ती मागून समोरून चपकली, समोरूनच कसं।
हाँ भाई अच्छा दोनों एक मांग एक खेल असं येत हां ही पुढे असेल त्यांनी ठोकली असेल असं झालं असेल काहीतरी हे पाय ही पुढे असेल ती वाली त्यानं ट्रकला डॅश मारलं येणं तिला डॅश मारलं तर असं झालं असेल दोन्ही एकामागे एक होतं का हां हां तेच ना त्याला पहिले मारलं तर येणं हे गाडी तिथं लागली अरे बापरे याचं मालक कुठे गाडीमध्ये फॅमिली होती का त्या गाडीतली फॅमिली होती मग काही लागलं वगैरे का फॅमिलीला हो का तेवढं तरी चांगलं हो त्या गाडीत पूर्ण हे झालं ना मग ट्रक समोरून येत होता का सो इस गाड़ी में फैमिली थी और ट्रक यहाँ से आ रहा था सो ये दोनों गाड़ी पीछे थी मतलब आमने सामने थी ये गाड़ी आगे थी ये गाड़ी पीछे थी सो पहले इस गाड़ी को ट्रक ने डैश मारा ये पीछे थी तो इसलिए उन्होंने ब्रेक लगाया तो ये गाड़ी भी वहाँ पे जाके पीछे जाके ठुक गई तो ऐसा सीन है सो गाइस राइड सेफ कभी कभी सामने वाले की भी गलती रहती है सो हमें सिक्योर रहना चाहिए ओके सो चलते हैं अभी ऑल राइट सो टाइम अपडेट इज अरे वाह शार्प 4 बज रहे सो अभी पहुंचे हैं भाटे गाँव 1 घंटा लग गया है यार भाटे गाँव को आने में अभी तो वारंगा भी नहीं लगाए आज बहुत स्लो जा रहे हैं क्योंकि रास्ते में सब्सक्राइबर मिल जा रहे हैं एक्सीडेंट हो रहे हैं इसलिए वहाँ पे रुक के थोड़ा देखा हमने इसलिए उसमें टाइम चला गया पर कोई बात नहीं हमें जल्दी नहीं है ऑल राइट सो टाइम अपडेट इज 4:16 एंड वी हैव रीच एट वारंगा सो अभी यहाँ से 20 किलोमीटर पर हाथगांव है सो अभी यहाँ पे थोड़ा रुक के नाश्ता करने का प्लान है सो थोड़ा नाश्ता करेंगे और निकलेंगे ओके सो नाश्ता कर लिया अभी निकलते हैं यहाँ से आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है बहुत ही ज़्यादा क्योंकि हर बार जब मैं आता हूँ तब इतना ट्रैफिक नहीं रहता है पर आज बहुत ज़्यादा है क्योंकि रास्ते में 2 बार एक्सीडेंट हो गए इसलिए पुलिस वालों ने थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर लिया है रोड इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है एक एक से गाड़ी भेज रहे हैं तो हमने अभी ड्राइवर को फ़ोन लगाया था तो उन्होंने कहा कि उनको 1 घंटा और लगेगा उमरखेड़ को आने को क्योंकि वो अभी अर्धापुर को ही है तो इसलिए उमरखेड़ को जल्दी जाके कोई मतलब नहीं सो हमने डिसाइड किया है कि हम कहीं पे तो भी रुकेंगे और रील्स वगैरह बनाएंगे क्योंकि उतना ही टाइम हमारा न्यूटिलाइज हो जाएगा ओके सो टाइम अपडेट इज 4:57 और यहाँ से हाथगांव 12 किलोमीटर है और अभी हम पहुँच चुके हैं बरड़ शेवाड़ा सो वो हाईवे का काम चालू है इसलिए गांव के अंदर से रास्ता है ये वाला सो यहाँ से थोड़ा आगे हाईवे फिर से स्टार्ट हो जाएगा सो ये हाईवे सीधा ऐसे आता है पर यहाँ पे काम चालू है इसलिए ये रास्ता बंद है सो गाइस अभी बारिश चालू हो चुकी है तो मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा
क्योंकि मैंने जो मेरा वाटरप्रूफ केस है वो मेरे बैग के अंदर है, सो उसका बटन ठीक से प्रेस नहीं हो रहा, इसलिए मैं उसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सो डायरेक्ट उमरखेड़ को चल के ही बात करते हैं, तो मैं आपको सीधा उमरखेड़ में मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो बारिश काफ़ी बढ़ चुकी थी इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं। सो यहाँ पे एक शेड है, सो यहाँ पे हम रुके, तो मैंने बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है। सो बारिश काफ़ी गिर रही है। एक्चुअली कैसा, मैंने वो जो एक्शन कैमरे का केस आता है वाटरप्रूफ केस, सो वो मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि उसका बटन थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, तो उसका बटन प्रेस नहीं होता है, इसलिए वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो देखते हैं, अगर बारिश जल्दी रुक गई तो यहाँ से निकल जाएंगे, थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे। सो आपको मिलता हूँ मैं उमरखेड़ को। ऑलराइट गाइस, सो टाइम अपडेट इज 6:44 एंड वी हैव रीच एट उमरखेड़। सो बहुत ज़्यादा देर हो गई क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर से गिर रही थी, इसलिए हम वहीं पे रुके थे। सो अभी स्लोली स्लोली आए हम उमरखेड़ तक। सो अभी उमरखेड़ से निकल रहे हैं हम पुसद के लिए। ऑलराइट गाइस, तो अभी रोड पर सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं, बाकी एक गाड़ी भी नहीं दिख रही है। दिन में उतना कुछ नहीं लगता है, पर रात में थोड़ा डरावना हो जाता है ये रोड, क्योंकि दोनों साइड में ही पेड़ है और ये सब जंगल का एरिया है, यहाँ पे घर वगैरह कुछ नहीं है। आई होप आप देख पा रहे होंगे, दोनों तरफ से पेड़ है और बीच में से रोड है। ऑलराइट गाइस, सो अभी टाइम हो रहा है 7:53 और हम पहुँच चुके हैं पुसद। सो इस बार बहुत ही लेट पहुँचे क्योंकि रास्ते में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। सो ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे मेरी इंस्टा आईडी आ रही होगी, तो जाओ और फॉलो करो। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।